नमस्ते, मैं शिवानी नौगाई। चुनावी मौसम है, टिकट बांटे जा रहे हैं और कट भी रहे हैं। कहीं पुलवामा को झूठा बताया जा रहा है तो बालाकोट के सबूत मांगे जा रहे हैं। इस सब के बीच राजसत्ता एक्सप्रेस खास आपके लिए लेकर आया है वो खबरें, वो मुद्दे जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया ने छोड़ दिया है। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के मुताबिक देश में नकदी में लेन देन बढ़ा है। नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, जिसके रिपरकशंस हम सभी ने देखे। उसके बाद देश को कैशलेस बनाने के लिए कई तरह की कैश ट्रांजैक्शंस पर रोक भी लगाई गई और कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिजिटली लेन देन हो। और अभी की हम देखें, जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक देश में नकदी में बहुत लेन देन बढ़ा है, बहुत बड़े अमाउंट में बढ़ा है। हमारे साथ पंकज शुक्ला जी हैं और इनसे जानते हैं कि इस मौसम पे, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, नकदी में इतने लेन देन के बढ़ने को ये किस तरह देखते हैं। पंकज जी, बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि जो पूरी कोशिश थी वो थी कैशलेस इकोनॉमी बनाने की, बनी गई और उसमें 2 लाख से ऊपर जो है कैश ट्रांजेक्शन जो है उस पर रोक लगाई गई और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया और एक ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, भीम ऐप, इसके थ्रू डिजिटल गांव-गांव तक जाएगा, गांव वाले उसमें करेंगे ट्रांजेक्शन। फिर ये पेटीएम वगैरह टाइप के ऐप्स, सारी कोशिशें हुई तो देख के ऐसा लगता था कि शायद ऐसा होने जा रहा है, कैश गायब हो जाएगा और डिजिटली सब कुछ होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। लेकिन जो लोग कैश में ट्रांजेक्शन ज़रा सिक्योर लगता है मान रहे हैं और ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि जो दावे किए गए थे नोटबंदी में शिवानी, एक तो ये था कि इससे आतंकवाद पे चोट लगेगी, इस पे नक्सलवाद पे चोट लगेगी, इससे काला धन बाहर आएगा और जाली नोट। और पहले तो हम लोगों ने एक रिपोर्ट वो देखी कि 99.3% नोट बैंक में वापस आ गए, तो वो ऑलमोस्ट 100% था, तो वो ब्लैक मनी वाला उस पर सवाल बहुत खड़े होते रहे। अब ये जो लेटेस्ट है कि 15 मार्च तक जो है ये रिकॉर्ड 21.41 लाख करोड़, मतलब 21.41 लाख करोड़ का कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है मार्केट में, इतना नोट अवेलेबल हैं और ये 19.14% हाइक है इसमें जब डीमोनेटाइजेशन हुआ पहले का। क्योंकि 4 नवंबर 2016 को शिवानी जब हम माने कि जब नोटबंदी हुई तो उस वक्त मार्केट में 17.97 लाख करोड़ रुपए थे जो चलन में चल रहे थे नोट, और अब इसमें 3 लाख करोड़ 3 साल में बढ़ गए हैं। एक तरफ डिजिटल इंडिया और दूसरी तरफ कैश का ट्रांजेक्शन, तो 3 साल में ये 3 लाख करोड़ ज्यादा आ गया मार्केट में और ये रिकॉर्ड लेवल पे हैं। 21.41 लाख करोड़ के नोट मार्केट में चलन में है इस वक्त, और नवंबर में बस ये सबसे ज़्यादा नीचे स्टीपली गिरा था, लेकिन उसकी रीज़न सिंपल ये था कि उसका नोट थे ही नहीं और विड्रॉ पे जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे कि 4,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, तो नेचुरली वो 9 लाख करोड़ हो गया था नवंबर में 2016 में। लेकिन उसके बाद से ये लगातार बढ़ा है और इसका बढ़ने का मतलब इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर इस वक्त है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है और सारा जो फोकस होता है इलेक्शन कमीशन का कि कैश कम से कम रहे चलन में, क्योंकि उसके बावजूद जो है इतना अमाउंट बढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक मनी इलेक्शन में यूज होती है, ये एक स्थापित सत्य है। उसके अलावा कैश से वोट खरीदने के भी तमाम इंस्टांस सामने आते हैं, नोट बटते हैं, नोट तमाम मीन्स को बांटने के लिए अप्लाई, जैसे शराब बटती है या तमाम साड़ियां बट रही हैं, कहीं किसी भी तरीके से कैश और काइंड में, तो चलन में इतने नोट मार्केट में इलेक्शन के टाइम पे मौजूद हैं। तो इससे जो डीमोनेटाइजेशन का जो टारगेट्स थे और जो उसका मोटिव था तो उस पे तो सवाल उठते ही हैं, बिल्कुल, कि ये इतना कहीं ना कहीं अब तो कुछ नहीं बचा है डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि ये एक अच्छी चीज हुई थी डीमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस ज्यादा थे, सोशल और इकोनॉमिकल रीजंस नहीं थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये उस वक्त भी कहा गया था कि जब वो आपको याद होगा 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले ये सब, और जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि जो विपक्षी दल हैं तो उन पर एक तरीके का ये हैमर था, क्योंकि उनका जो स्टोरेज था जो नोट्स का, जो भी जिनके पास, वो वेस्ट हो जाए, बेकार हो जाए, तो ऐसा कहा गया था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है उनके नोटों पे, पॉलिटिकल उसमें ज्यादा मोटिव था। लेकिन दूसरी बात आप जो कह रही हैं कि जो उसके गिनवाए गए थे कारण, तो उसमें देखिए सामने आ रहा है कि डिजिटल इंडिया जो बन रहा है
तो वो डिजिटल जो लेन देन है वो 21.41 लाख करोड़ रिकॉर्ड लेवल पे नोट इस वक्त मार्केट में मौजूद है। और एक मैं आंकड़ा छोटा सा आपको और जोड़ दूं, ये मैंने जो पढ़ा है इसमें कि एटीएम के थ्रू, जैसे एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड भी नॉर्मली स्वाइप करना कि हम जैसे कहीं गए, कुछ शॉपिंग करी या कोई पेमेंट किया रेस्टोरेंट में, तो वहां यूज हो रहा है, तो वो तो ठीक है, वो तो डिजिटली हो गया। लेकिन इसमें आपको जनवरी 2017 में जो एटीएम के थ्रू जो विड्रॉल था वो था 2,06,48 करोड़, विड्रॉल नहीं, एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन, बेसिकली नॉट विड्रॉल। और जनवरी 2019 में शिवानी, दो साल में ये हो गया 3,16,808 करोड़। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 3,16,808 करोड़ का जो ये ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड हुआ है उसमें 3.16 में 2,66,000 करोड़, 2,66,000 मतलब 2.66 लाख करोड़ खाली ये कैश विड्रॉ हुआ है। तो मतलब कि लोग एटीएम के थ्रू कैश निकाल कर रहे हैं ज्यादा, तो वो क्या है, वो भी तो एक तरीके से कैश मार्केट में ही फ्लो हो रहा है। तो जो नंबर एक की कमाई है, जो बैंक के थ्रू भी जो पैसा आ रहा है, जो ऑन रिकॉर्ड पैसा है, उसमें भी वो कैश विड्रॉ कर ले रहे हैं। 3.16 में 2.66 कैश विड्रॉ हुआ है। तो ये कैश फ्लो जो आ रहा है, तो उस डिमोनेटाइजेशन के जो मोटिव्स थे, जो बोले गए थे, वो तो एक अलग है, लेकिन वो ये तो बिल्कुल फेलियर है। इसमें डिजिटल इंडिया वाला जो एस्पेक्ट था कि ट्रांजेक्शन जो उसके थ्रू था, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन था, तो वो तो दिखता नहीं ज्यादा, बिल्कुल नहीं। और एक रीजन तो ये भी बताया जा रहा है अभी मार्केट में इतना मनी होने का, क्योंकि फसलें कटनी हैं और त्योहार हैं, तो इसके लिए जो है लोग गोल्ड, जो गोल्ड की जो है वो खरीदारी करते हैं, तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है चुनाव के अलावा कैश का होने का। तो इसको आप किस तरह से, ठीक है कि ये भारतीय संस्कृति है, इसमें त्योहारों पे लोग कैश रखते हैं, शादियों के दौरान लोग कैश रखते हैं। जैसे आपको याद होगा नवंबर में जब नोटबंदी हुई तो शादी करने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया था, कितने लोग लाइनों में मर गए थे टेंशन से, हार्ट अटैक से। शादियां बेकार हो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ शादियां कैश पे होती हैं, विदाई होती है, लिफाफों में रख के पैसे दिए जाते हैं, अपना कल्चर है, इवन बारात में नाचते हैं, नोट उड़ाते हैं, तो वो सब तो एकदम फीका हो गया था उस वक्त भी। तो ये कैश हमारा एक तरीके से कह दें कि हमारी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट टाइप का है, क्योंकि हम लोग क्या है कि सम्मान में कैश से जोड़ते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आया तो चलते वक्त बच्चों को कैश पकड़ाना, उनको कोई अगर बड़ा है मतलब पद में बड़ा है तो उसको कैश देना, ही तो हमारा कल्चर है। ये विदेशों से इसकी तुलना नहीं किया सकती। ऐसे ही फसलों में किसान भी कैश में ज्यादा सिक्योर फील करेगा। और जहां तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सवाल है, तो ये सवाल उस वक्त भी उठा था कि ये बहुत ही प्रीमैच्योर और बहुत ही ऐसा अजम्पशन है कि सारे भारतीय जो है ऑनलाइन अचानक से कैश ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे, जबकि उनको बेसिक जुड़े ही नहीं, जो जुड़े ही नहीं है बैंक से, नहीं जुड़े। अच्छा, जो उसके बाद बैंकों में अकाउंट खोला है काफी, जुड़े भी हैं तो नॉट यूज्ड टू, वो इतनी जल्दी एप्स के थ्रू और किसान और मजदूर नहीं कर पाएंगे। इवन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग लाइक जो लोग हम सब लोग हैं, हम सब लोगों में से भी सभी ऐसे नहीं है जो कि बहुत ज्यादा नेट ट्रांजेक्शन, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। बात ये है कि ठीक है, अगर गहने भी खरीदने के लिए बाय द वे है, तो फिर भी तो सवाल एक खड़े होते हैं कि गहनों की खरीद पर भी, तो क्योंकि उसमें भी तो रोक ही थी कैश के ट्रांजेक्शन पर, तो वहां भी रोक है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें यथावत जैसे चला करती थी वैसे ही आ गया है मार्केट में दोबारा हो गया, बल्कि अब और बढ़ गया है कैश, लोग ज्यादा सिक्योर करके रख रहे हैं। की ओर से ये है कि साहब चूंकि हमने नोट मार्केट में फ्लोट किए हैं, ज्यादा बढ़ाए हैं, तो ये भी एक रीजन है, बट ज्यादा तार्किक नहीं है बहुत ज्यादा, कि अगर बढ़ाया भी है आपने तो वो आया तो ऑन रिकॉर्ड इनकम के थ्रू ही है ना, नंबर दो में तो नहीं आ गया है, तो फिर वो उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो डेटा है, हालांकि इसको खबर को बहुत ज्यादा कहीं जगह नहीं मिली है। आपने कहा कि राजसत्ता एक्सप्रेस ऐसे मुद्दे उठाता है कि जो ऑनलाइन मेन स्ट्रीम मीडिया अभी मतलब ये तो ऐसी रिपोर्ट है जो कम से कम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो विमुद्रीकरण हुआ था, जो नोटबंदी हुई थी, उसका आज की डेट में, आज चुनाव में खड़ा है पूरा देश, और वो मेरे ख्याल से भारतीय अर्थव्यवस्था का उससे बड़ा तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है जो मोदी जी ने लिया था, तो उसके क्या परिणाम रहे, ये भी मीडिया को सामने लाना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ है। जी बिल्कुल। तो इस पे जो है
ये झलक बड़ी अंडरप्लेड है ये खबर, ये ज्यादा कहीं भी नहीं है। नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको सबसे पहले छापा है, फिर स्टॉल और सत्याग्रह टाइप की कुछ साइट्स ने इसको लिया है, बट वो उनकी रीच उतनी नहीं है उतनी व्यापक जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए भी है कि क्या आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करना ज्यादा सेफ फील करते हैं या फिर कैश ट्रांजेक्शन में अपने आप को ज्यादा सिक्योर मानते हैं? अपने कमेंट्स करके हमें जरूर अपडेट कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।